हिमाचल प्रदेश में 4 महीने बीत जाने के बाद स्कूल खुलने की तैयारियां जोरों पर हैं। बता दें, पहले चरण में 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की ही नियमित कक्षाएं लगेंगी। शिक्षा विभाग द्वारा SOP जारी कर दी गई है, जहां स्कूल खुलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक का रहेगा। इस दौरान शिक्षकों के साथ विद्यार्थियों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य होगा। वाली स्टडी से ही है, क्योंकि ऑनलाइन स्टडी में कई बार नेट प्रॉब्लम हो जाता था और कई बार क्लास नहीं लग पाती थी जिस तरह से लगनी थी। तो अब स्कूल आपको कुछ अच्छा लग रहा है, हो पाई है कि नहीं, हम कुछ प्लस टू में अच्छा कर सकते हैं, अच्छे नंबर से पास। इस दौरान बच्चों ने कहा कि ऑनलाइन पढ़ाई से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते उन्हें खुशी है कि स्कूल खुल रहे हैं और अब उन्हें पढ़ने के लिए दिक्कतें नहीं होंगी। स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा बताया गया कि थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही स्कूल में बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा, साथ ही सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। वहीं स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा।